जय जिनेन्द्र, आत्मा चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आखिर ये मोहनजोदाड़ो है क्या और जैन धर्म से इसका क्या कनेक्शन है, आइए देखते हैं। जैन इतिहास की श्रेणी में हमने 3 वीडियो देखे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में टर्की और कश्मीर की रोमांचक घटना आपके सामने आत्मा चैनल ने पेश की। इस बार हम अफगानिस्तान में जैन धर्म के जीवंतता को देखेंगे। पहले अफगानिस्तान गांधार जनपद के अंतर्गत आता था। भगवान महावीर स्वामी के समय की यह बात है। तकरीबन विक्रम की शताब्दी से 496-495 वर्ष पूर्व में भगवान महावीर अपना 17वां चातुर्मास राजगृह में करके गांधार जनपद पधारे। तब उनकी उम्र 47 वर्ष की थी। वित्भय नाम के नगर की उत्तर पूर्व दिशा में मृगवन नाम के उद्यान में आकर ठहरे। तब वहाँ के राजा उदयन वहाँ भगवान को वंदन करने के लिए आए। अब राजा प्रभु महावीर को वंदन करने क्यों आए, पहले एक बार देखते हैं कि राजा उदयन कौन थे। गांधार जनपद, जिसमें आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पंजाब के कुछ हिस्से शामिल होते हैं, वहाँ का समर्थक शासक उदयन था। अब उसका विवाह गणतंत्र नायक महाराजा चेटक की सबसे बड़ी पुत्री प्रभावती के साथ हुआ था। वैसे चेटक महाराजा प्रभु महावीर के सगे मामा थे, यानी कि त्रिशूला माता के सगे भाई थे। पहले एक बार इनका रिश्ता समझ लेते हैं। प्रभु महावीर के सगे मामा यानी कि प्रभु महावीर की माता त्रिशूला माता के सगे भाई चेटक महाराजा। चेटक महाराजा की सबसे बड़ी पुत्री प्रभावती के पति राजा उदयन। उदयन को प्रभावती से अभिची नाम का एक पुत्र हुआ। उदयन की एक बहन भी थी और उसका भी एक लड़का था, उसका नाम केशी था। प्रभावती रानी जैन धर्म की उपासिका थी, पर उदयन तापसों का भक्त था। रानी प्रभावती ने अपने अंतकाल को नजदीक जानकर प्रभु महावीर की जैन दीक्षा ग्रहण की। आयु पूर्ण करके वह देवता बनी और उसने राजा उदयन को दृढ़ जैन धर्मी बनाया। एक बार राजा उदयन अपनी पोषदशाला में पोषद कर रहे थे। ये पोषद क्या है? जैन साधु के जैसा जीवन एक दिन के लिए जिया जाए तो उसे हम पोषद कहेंगे। रात्रि के समय धर्म जागरण करते समय उनके दिमाग में एक विचार प्रकट हुआ, यदि भगवान महावीर स्वामी यहाँ पधारेंगे तो ही मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा। अब प्रभु महावीर ने अपने केवल ज्ञान से इस चीज को जान लिया और वह चल पड़े गांधार की ओर। तो इस वजह से वो प्रभु महावीर को वंदन करने के लिए आए थे। अब भगवान को वंदन करने के पश्चात उदयन जैन विनती की, प्रभु जब तक मैं अपने पुत्र को राज्य सत्ता सौंप कर आपके पास वापस ना आऊं, तब तक आप कृपया यहाँ विराजित रहिएगा। प्रभु के मुख से ये शब्द निकल पड़े, एक क्षण का भी प्रमाद मत करना। राजा लौट कर घर आए। राजा के मन में लगातार एक दुविधा चल रही थी, यदि मैं अपने पुत्र को राज्य दूंगा तो वह राज्य के दाव पेचों में फंसा रहेगा और उस कारण से उसका संसार बहुत बढ़ जाएगा। राजा ने एक निर्णय किया। राज्य अभिषेक का दिन था, उन्होंने अपने भांजे केशी को अपना राज्य सौंप दिया और एक सच्चे पिता की भूमिका निभाई। कौन सा वैरागी पिता अपने पुत्र को अपने हाथों से घनघोर संसार रूपी नरक में भेजने की चेष्टा करेगा। अब राजा ने भगवान महावीर के पास जाकर दीक्षा ले ली और एक महान राज ऋषि के तौर पर अपना दीक्षा जीवन व्यतीत करने लगे। दीक्षा देकर प्रभु महावीर वापस राजगृह लौट गए, पर राजर्षि उदयन इसी क्षेत्र में विचरने लगे। एक उपवास से लेकर एक महीने के लगातार उपवासों का कठिन तप वे करने लगे। रूखा सूखा बचा खुचा आहार करने से राजर्षि बीमार पड़ गए। उस समय वहाँ के वैद्यों ने उन्हें दही खाने की सलाह दी। एक बार विहार करते करते राजर्षि अपनी राजधानी वित्भय पट्टन में पधारे। अब मंत्रियों ने केशी राजा को बहकाया कि उदय तुमसे राज्य छीनने आया है। इसी आशंका से केशी राजर्षि को दही में विष मिलाकर उनकी हत्या करने की योजना बनाने लगा। मौका पाकर राजर्षि को विष मिश्रित दही दिया गया और वे अनजाने में उसे खा गए। उन्हें क्या पता था कि घर का लड़का ही हत्यारा बनेगा। विष का धीमा धीमा असर शुरू हुआ और उन्हें मालूम पड़ने पर समता भाव पूर्वक राजर्षि ने एक महीने का संथारा किया और केवल ज्ञान पाकर मोक्ष को प्राप्त हुए। प्रभावती देव ने राजर्षि उदयन की हत्या के कारण को जानकर प्रकोप से पूरे विद्भय पट्टन को धूल की दृष्टि में ध्वस्त कर दिया। सभी लोग धूल के समुद्र में बह गए, सबके सब तट गए।
अब सिंधु नदी के तट पर रहा हुआ एक प्रदेश, उसका नाम है मोहनजोदाड़ो। इसमें जीसस क्राइस्ट से 3000 वर्ष पूर्व के अनेक शेष अवशेष मिले हैं, जिनमें अनंत प्रभु, ऋषभ देव, सुभाष नाथ के सिंह मिले हैं, जो बड़े ही महत्व के हैं। आज भी मथुरा के म्यूजियम में आप उन्हें देख सकते हैं। सिंधु के इतिहास का प्रोफेसर भैरोमल ने मोहनजोदाड़ो संबंधी अपनी अंग्रेजी पुस्तक में मोहनजोदाड़ो का अर्थ मुर्दों का ढेर किया है। ये और कुछ नहीं परंतु प्रभावती देव द्वारा ध्वस्त किया गया वित भय नगर ही है। इससे ही ये पुष्ट होती है कि अफगानिस्तान में भी जैन मंदिर और जैन धर्म को मानने वाले कई लोग बसते थे। थोड़े वर्ष पूर्व ही 3 छत्र सहित ऋषभ देव जी की खड़ी मूर्ति और इसी के साथ 23 अन्य तीर्थंकरों की छोटी प्रतिमाएं पहाड़ को तराश कर बनाई गई प्राप्त हुई और इन मंदिरों में आसपास के तथा दूर दूर के लोग यहाँ यात्रा करने आते थे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारियाँ पसंद आ रही हो तो ऐसे ही देखते रहिए आत्मा चैनल और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।